a very good morning class six so today we'll begin with our second chapter components of food students so before starting i just wanted to tell you that we have completed our first chapter that is food where does it comes from and i hope you must have completed your uh, exercise question answers in your notebook neatly so your notebook will be asked uh, every month on every friday your message message will be given to you and your work should be done neatly as i have already sent you a short video how you are going to write uh, in your science fair notebook all right so so uh, let's start with the second chapter components of food So, components of food what are the things that we are going to co cover in this chapter is that what are nutrients nutrients kise kehte hain? what roles do different nutrients play in our body and why should we take a balanced diet and what are different kinds of deficiency disease and how can we prevent them so in this chapter what we are going to complete is the different types of nutrient विच आर देयर इन फूड और उसके बारे में हम उसका इम्पोर्टेंस uh, पढ़ेंगे उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और एक बच्चे को या एक ह्यूमन बींग को बैलेंस डाइट फूड खाना क्यों जरूरी है और अगर हम बैलेंस डाइट फूड नहीं खाएंगे तो बेटा कौन सी डेफिशेंसी कौन सी बीमारियों से वो जो ह्यूमन uh, बींग है वो प्रॉब्लम हो सकती है उसकी बॉडी में ओके सो द नेक्स्ट इज वट इज फूड बस थोड़ा सा रिकेप्चुलेट करते हैं हम कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि फूड का क्या फंक्शन है फूड एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ वर्क रिपेयर एंड मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस फूड इज काइंड ऑफ अ फ्यूल फॉर द लिविंग थिंग्स जस्ट एज पेट्रोल फ्यूल फॉर आर कार इन द सेम वे फूड इज अ फ्यूल फॉर आर बॉडी ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है ठीक है सो व्हाट आर द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और हमें कहा से कौन कौन से सोर्सेस से जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी कंप्लीट होती है जो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स राइस चपाती एंड एंड बीन्स प्रोडक्ट्स इन सभी से बेटा हमारे न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट होती है और फूड बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन ये सारे हैं हमारे क्या है न्यूट्रंट से बेटा और ये ये सारे इन सभी की इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में सो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन बॉडी ये न्यूट्रिएंट्स को तो हम क्या बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड इसीलिए चैप्टर का नाम ही है कॉम्पोनेट्स ऑफ फूड और सिक्स टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स वॉटर एंड रफेज सो ऑल दीज न्यूट्रिय ऑफ फूड आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी सो इफ यूक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है वो कौन सा कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है और किस किस में वो प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है सो कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर द कॉम्पाउंड मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कार्बन कार्बो से हाइड्रेट से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अदर शुगर्स एंड स्टार्च सो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स फूड में कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में शुगर की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में तो अब हम जानते हैं कि सोर्सेस क्या है वॉट आर दोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो दीज इंक्लूड सीरियल्स सच एज मेस राइस ज्वार बाजरा पटेटो शुगर हनी ब्रेड जैग जैगरी जैगरी को बोलते बेटा शुगर केन शुगर बीट सो ऑल दीज आर दोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ये सारी चीजों को इनटेक करेंगे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा देर आर सो मेनी रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनको इनटेक करेंगे तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की जो न्यूट्रिएंट uh, की वैल्यू है वो आपकी बॉडी को फुलफिल होता है अब हम पढ़ते हैं बेटा फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है ठीक है सो कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च एंड शुगर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू आवर बॉडी और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा एनर्जी गिविंग फूड हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड जो हमें एनर्जी सप्लाई करता है हमारी बॉडी को ठीक है आपने कभी नोटिस किया होगा बेटा स्पोर्ट्स मैन ईटिंग बनाना ड्यूरिंग ब्रेक्स इन मैचेस वाई ही ईट्स दैट बिकॉज ही वॉन्ट इंस्टेंट एनर्जी इज दैट क्लियर और नॉट सो बिकॉज ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड बेटा एक अडल्ट एवरेज अडल्ट को एटलीस्ट 500 हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए डेली ठीक है और अगर मैं स्पोर्ट्समैन की बात करूं या लेबरर्स की बात करूं प्रेग्नेंट प्रेगनेंट वुमेन की और जो नर्सिंग मदर्स होती है नर्सिंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिलाती है बोहाइड्रेट उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक करने की जरूरत है जितना एक एवरेज अडल्ट को लेना पड़ता है ना बेटा फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड ग्राम उससे ज्यादा एक इन सारे लोगों जिनके नाम मैंने आपको बताया इनको ज्यादा इनटेक करने की जरूरत है ठीक है बट बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक जो होता है एक्सेसिव में बिल्कुल ठीक नहीं है बिकॉज इट कॉज ओबिसिटी एंड इनएक्टिवनेस इन योर बॉडी ओके इन अदर हैंड डेफिशंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिजल्ट इन वीकनेस एंड लॉस ऑफ वेट सो कोई भी चीज का इनटेक ज्यादा अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं अगर आप कम लेना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाएगी और वेट लॉस हो जाएगा इज इनटे और अगर आप ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो आप ओबीज हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे लिथार्जिक फील करेंगे लेजीनेस आएगा आपकी बॉडी में इ्लीअर ऑन नॉट सो so, बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रेट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें कभी भी आप ले सकते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है जिसमें केल है स्पिनच है रोमेन लेट्यूस है एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स विच यू कैन टेक इट एनी टाइम एंड दे विल प्रोवाइड यू अ गुड एंड ग्रेट कार्ब्स ओके सो द गुड काप्स ईट मी समाइम्स लिखा है बेटा समटाइम्स मतलब आप कभी कभी टेक कर सकते हैं स्टाची वेजीज स्वीट पटेटो पटेटो स्क्वैश स्वीट फ्रूट्स बेनाना पाइन एप्पल एंड पपाया ये सारे बेटा आपके गुड काप्स है ठीक है बैड काप्स ठीक है ध्यान से सुनिएगा ईट मी रेयरली और नेवर ठीक है जैसे राइस ब्रेड्स और सीरियल्स है ये हमारा तो एक तरीके से स्टेपल फूड ही है हमारा कौन सा सीरियल्सा अगर हम बीट की बात करें तो हम उसे हमारे लिए एक तरीके से रोटी जो है वो हमारा स्टेपल फूड है उसके बिना तो हमारा काम गुजारा ही नहीं होता है बट वही चीज है कि हमें लिमिटेड खाना चाहिए शुगरी ड्रिंक्स सोडा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ऑल दीज ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड एंड दे आर वेरी बैड काप्स ये तो आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं आजकल छोटे बच्चों में ही डायबिटीज की शिकायत आती है बिकॉज दे इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैड कार्बोहाइड्रेट्स, ओके नेक्स्ट शुगरी स्नैक्स आपके कुकीज कैंडीज पेस्ट्रीज और राइट केक्स ऑल दिस कम्स अंडर योर बैड टेकन रेयरली मैं आपको बोलती हूँ कि नेवर भी नहीं बोल सकते हम बेटा आप बच्चे हैं आपको खाना जरूरी भी है आप महीने में एक बार खा सकते हैं जैसे पिज्जा है आपकी घर में एक रोटीन मतलब नहीं बनाना है कि आपने डेली ही पिज्जा खाना है ओके okay? सो so, बेटा आपकी जब हम स्कूल में होते तो हम इसके टेस्ट भी करते कि हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट की खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो आपको हमने आलू देखा आलू इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे करेंगे बेटा हम आलू को काटेंगे एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है बेटा जिसको हम डालने पर पोटैटो के ऊपर उसका कलर जो हो जाता है ब्लू ब्लैक हो जाता है जो शो करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ओके सो दिस इज हाउ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज डन नेक्स्ट है फैट्स फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बट कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारा एनर्जी गिविंग फूड है फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज दिस इज वाई फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी मतलब फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है जब आप लेते हैं इसको तो इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत होती है आपकी बॉडी को वार्म भी कौन करके रखता है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जब आप गिर जाते हैं इंस्टेंटली साइकिल से गिर जाएंगे तो आपके जो बॉडी में फैट्स होते हैं वो आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो डैमेज ना हो जाए और दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दॉर्न ऑफ सर्टन ओके सो सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या है बेटा सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ फैट्स आर ऑयल घी मिल्क बटर एग्स मीट एक्सेट्रा सो वट आर द फंक्शन ऑफ द फैट्स फैट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया एनर्जी प्रोवाइड करता है और फैट हमें देता है एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही पर हमें फैट्स मोर एनर्जी देता है और फॉर द फ्यूचर पर्पज ओके सो फैट्स हमें बोथ वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम द्वारो कुछ uh, uh, मैं आपको फैट्स बता देती हूँ जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं लाइक ऑयल सच एस ग्राउंड नट सनफ्लावर, कोकोनट मस्टर्ड एंड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड बटर एंड ही आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फैट्स एंड मीट फिश एग्स आई है एग्जाम्पल एंड बेटर नट्स ऑल्सो तो उसके फैट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल हो जाती है और एक ह्यूमन बींग को लेना चाहिए और एक्सेसिव फैट्स लेने से क्या होगा बेटा मोटे हो जाएंगे उसको हम ओबिसिटी बोलते हैं और समटाइम्स अगर आप ज्यादा फैट्स खाएंगे दे गेट यूज इन द लाइनिंग ऑफ आर ब्लड पुट्स आर हार्ट एट रिस्क ऑफ डिजीजेस डेफिशियंसी बॉडी रिजल्ट इन टायर्डनेस थकावट होती है वीकनेस होती है और वेट लॉस हो जाता है और स्किन में ऑल्सो बिकम रफ एंड ड्राई ठीक है सो दीज आर रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स और अगर नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है बेटा करना बहुत ही आसान है कि आपने आपने uh, कोई कोई भी जैसे नट ले लिया या ground nut ले लिया या बादाम ले ले लिया, ले लिया, देन यू पुट इट अ पेपर एंड क्रश इट नाइसली एंड व्हेन द ऑयल पैचेस यू विल गोइंग टू सी ऑन दैट पेपर दैट शोज द टेस्ट ऑफ फैट्स की भाई उसमें प्रेजेंस ऑफ फैट्स है ओके okay? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू दीज टू न्यूट्रिएंट्स फॉर टुडे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आप इसको रीड करिएगा बुक में और कुछ भी डाउट होता है वो बेटा गूगल मीट में हम क्लियर करेंगे और ट्यूजडे को इट मीन टुमोरो कल आपका गूगल मीट होगा क्लास बोथ कंबाइन सिक्स ए एंड बी सो बी देर ऑन टाइम थैंक यू क्लास